मैं बोला था पूछे, टॉर्च ऑन कर लीजिएगा प्लीज, आप अपना मोबाइल मेरे को दे दीजिए और इसका भी फ्लैश ऑन कर दीजिए पहले। तो एक नई सुरंग मेरे को देखने को यहाँ पे मिली हुई है, तो एक सुरंग के अंदर प्रवेश करते, जो पिछला गया था वो अलग था, ये इसकी पिछली तरफ से है, हो सकता है कुछ हो, तो अंदर चलते कमल भाई कैसा लगता है? व्हाई नॉट, ये देखिए दोस्तों हम आ गए अंडरग्राउंड में, रास्ता है बड़ा संकरा और अंधेरा है, सीढ़ियां कमल भाई टूटी हुई है, तो उसके पास ध्यान आइएगा, अंदर बहुत अंधेरा है, ठीक है मैं दिख रहा हूँ। आई ऑल्सो एफर्ट वी आर गोइंग टूगेदर भाई, बहुत खतरनाक है, देखो छोटा सा गेट है, आप देख सकते हो, नहीं गेट दिखाओ, सिर्फ गेट, छोटा सा गेट है, दिख रहा है? यस यस, तो मुझे झुक के जाना पड़ रहा है, देखो झुक के जाना पड़ रहा है, सर टकरा रहा है मेरा, मैं दिख रहा हूँ ना? यस यस, आप लोग मेरे को देख सकते हो, मैं झुक के जा रहा हूँ, और जो अंदर में पहुंचा इसके, तो ये अंदर कुछ ड्रामा है इन लोगों का। हाँ ये वो सुरंगे हुआ करती कि मतलब सुरक्षित रहते थे वो लोग यहाँ पे, कोई भी अगर ऊपर से हमला करता है कोई, तो यहाँ छुपने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता होगा ना, क्या हो सकता है ये ऑल्सो ये भी जेल हो भाई? हाँ हो सकता है भाई, थोड़ा अंदर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर भी उसी सिस्टम का दिख रहा है। कमल भाई अंदर आ जाओ, देखो यार मुझे लग रहा है ना बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे ठंड है भाई, और सीलन की स्मेल भी आ रही है, मतलब कई समय से यहाँ पे कोई आया नहीं है, ये पीछे की मतलब महल के पीछे से ये है, तो जो प्लेस या विजिटर होते हैं वो इस तरफ नहीं आते हैं, वो आगे से ही देख के चले जाते हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मैं ही आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ आके ये खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, शायद कोई जंगली जानवर यहाँ पे रहता है, तो ये हो सकता है जेल हो या फिर उन लोगों के छुपने का स्थान हो, यह तो वही जानते हैं, देखो ऐसे कई राज यहाँ पे दफन है, कई सारे राज इस किले में दफन है, कई सारी ऐतिहासिक कहानियां दफन है, बहुत अधिक जानकारी नहीं है हमें इस किले की, लेकिन जितनी है आपके साथ साझा कर रहे हैं कैमरामैन कमल के साथ, मैं बोलूं धन्यवाद सो मच, अंत तक देखे हमारे वीडियो को, तो यार एक्सक्यूज मी गाइस, सो यार गाइस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट इज दिस? दिस इज बर्ड, व्हाट इज दिस? दिस इज सांप का कुछ नहीं, ओह माय गॉड, ये खतरनाक है, देखो दिस इज वेरी। तो दोस्तों फाइनली ना उसका जो व्यू था आपको पूरा मैं दिखा चुका है, ओहो आपको दिखा होगा, अंधेरा बहुत था इसलिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे ही खतरनाक रास्तों से नीचे गया था मैं, वापस मैं अपनी जगह पे, अंदर ऊपर बहुत गर्मी है, नीचे बहुत ठंड है भाई, हो सकता है वो उनका कोल्ड स्टोर हो, मतलब कोल्ड रूम जो कहते हैं ना वो भी उनका वो हो सकता है। और ये क्या बड़ा है अभी, मैं क्या क्या देखने, यहाँ तो विजिट हो चुके हैं हम शायद, नहीं ये तो पहली बार आया हूँ मैं, देखिए ये ऐसे ही छोटे छोटे कमरे, तो ये हम जो सोचते थे कि पुराने जमाने के लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, उनका मखमल का बिस्तर होता है, एक सोने से सजी हुई दीवारें होती हैं, तो इसमें से कई चीजें असत्य है, वो ऐसी ही जगहों पे रहा करते थे, लेकिन तब के जमाने में जब इंसान के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं हो सकता था, और तब के जमाने ऐसे कमरे होना बहुत बड़ी बात हुआ करते थे अपने शब्दों में। अब तो दोस्तों मतलब यार इसको एक्सप्लोर करना ना, इस किले को एक्सप्लोर करना बहुत टफ हो रहा है। अब देखो एक नई सुरंग हमारे सामने, देखिए एक नई ये देखो नई सुरंग, एक नया प्लेस हमारे सामने, अंदर जाके आपको पक्का दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए अंदर, कुछ भी हो, आई डोंट केयर, पुराने जमाने के आदमी लोग, अभी के टाइम पे तो सस्ता हो गया है, ऐसे चूतियों की बात आपको गौर नहीं करना दोस्तों, आपको देखो बहुत टफ है अंदर जाना, ठीक है पूरा रास्ता धस चुका है और अंदर जाने लायक कुछ भी, चल अभी चमकादार चल चल चल, ये हाँ हाँ मैं भी आऊंगा, ये बंदा डर रहा है भाई, ये कह रहा है कि अंदर चमगादड़ है, कमल भाई चल भाई, मैं दिखाता हूँ दोस्तों इसकी तो फट रही है, देख चमगादड़ जैसे दोस्तों मधुमक्खियां छत्ता लगा रखे वैसे यहाँ पर चमगादड़ों ने छत्ता लगा रखा, बहुत अंदर जाना बहुत ही मुश्किल टफ है, अंदर जाने में फट रही है यार, तो जा फिर भाई, और देखिए दोस्तों हमारे गोकुल प्रसाद जी जा रहे हैं अंदर, मैं जाऊंगा भाई अंदर, सामने का सीन बड़ा वीडियो सुना था मैंने, बहुत अंधेरा भाई बहुत अंधेरा, आ जा रे आ जा रे, कमल के फट रहे तो यहाँ अंदर आ चुके हैं, मतलब इस बंदे की फटी हुई है बुरी तरह से, सामने चमगादड़ हैं और यार अंदर, और एक बार चमगादड़ों का छत्ता देखा दोस्तों, जैसे मधुमक्खियों का छत्ता था उस प्रकार से यहाँ पर चमगादड़ों का छत्ता है।
भारी संख्या में यहाँ पे चमगादड़ है, लेकिन यार उस गेट के अंदर क्या हो सकता है? जो सामने गेट दिख रहा है उसके अंदर क्या हो सकता है, मेरा देखने का बड़ा ही मैं उत्सुक हो रहा हूँ। कमल भाई मुझे जाना होगा। यू मे गो ब्रदर, आई एम वेरी अफ्रेड, मैं यहाँ से ऊपर को जा रहा हूँ। भाई मुझे जाना होगा क्योंकि ये सब चीजें मैं छोड़ के नहीं जा सकता ना। अबे चमगादड़, वो देखो बगल में देख, वहां पर चमगादड़ का घोंसला हुआ है। देखो भाई चमगादड़ बहुत सारे हैं यार, अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन तुमको पता, तुम्हारा भाई ना यार, मतलब ये फीलिंग्स है मेरे अंदर की मैं छोड़ नहीं सकता इन चीजों को। नहीं देखो नीचे इन्होंने पूरा खा के इतना सारा हग रखा है, मादर चूत। लेकिन तुम्हारा भाई जाएगा, क्यों? क्योंकि भाई कुछ भी हो जाए, तुमको पता है तुम्हारे भाई को ये सब चीजें पसंद है। एक बार अच्छे से बनाते हैं चमगादड़ की वीडियो। ये रही चमगादड़। अंदर कुछ भी नहीं है और ये हमला कर सकते हैं। भाई मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से, आई हैव टू रन। भाई अंदर बहुत खतरा है बहन, जो वो काटने को दौड़ रहे हैं यार। मतलब मैं देखा अंदर, वो गेट वहां से आगे को बंद था, मैं देखा पूरा, लेकिन भाई हम दिखा ना पाए आपको दोस्तों, मगर फटी यार बहुत तगड़ी वाली, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है बहुत सारे हैं। अगर वो मेरे ऊपर झपट पड़ते तो भाई पता है वो ना, ये लोग मांसाहारी होते हैं, ठीक है? चमगादड़ एक मांसाहारी पक्षी होता है तो उसका ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो भाई टाइम ओवर हो चुका है, केयरटेकर आ चुके हैं। देखिए केयरटेकर आ चुके हैं उनको बुलाने के लिए। उन्होंने कहा कि हाफ आवर मिलता है, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलता। लेकिन हम लगभग एक घंटे से गायब है। यू एक्चुअली यू गाइस नो कि हम कहाँ गए थे, उसको भी नहीं पता, केयरटेकर को नहीं पता कहाँ गए थे। तो एक घंटे या फिर इससे भी ऊपर 1.5-2 घंटे से हम लोग गायब, आधे घंटे का टाइम मिलता है। हम लोग अंदर आ गए थे तो उस लोग को हम, वो हमें ढूंढ रहा था लेकिन हम लोग मिल नहीं पाए, ठीक है? तो अब तो दोस्तों फाइनली हमने आपको शीश महल का पूरा सीन दिखा चुका हूँ मैं आपको। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका भी मन किया होगा ऐसे ऐतिहासिक जगहों को विजिट करने का, उनको घूमने का। तो अगर आप शीश महल या गोल बावड़ी देखना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9318-3743-47, जिसमें अभी फिलहाल इनकमिंग बंद है लेकिन जल्दी रिचार्ज करा दूंगा। धन्यवाद। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग ऐसे ऐतिहासिक जगहों का आनंद अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल के माध्यम से ले सकें। धन्यवाद। धन्यवाद।